भारत बनाम पाकिस्तान का मैच जो सबके दिल में राज करता है और सारी वर्ल्ड इसको इंतजार करके रहते हैं। लेकिन ये मुकाबला जो खेला गया था भारत और पाकिस्तान के अंदर, मुकाबला काल खेला गया था और मुकाबला में उस सब कुछ देखने के लिए मिला भाई सब। पहले तो भारत जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे थे लग रहा था बहुत भी स्कोर कर लेंगे, और उसके बाद जैसे एक के बाद एक विकेट गिरता गया और भारत 119 रन पर ही पूरी की पूरी सिमट गई। 19वें ओवर में 119 रन पर ही ऑल आउट हो गए थे भारत और टारगेट मिल गया पाकिस्तान को 119 रन के चेस करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर पाया। लेकिन ये मुकाबला में क्या था, ये मुकाबला में पैसा वसूल मुकाबला था, फैंस के लिए तो एक बहुत बड़ी मुकाबला था ना भाई साहब, पैसा वसूल मुकाबला था। मुकाबला में सब कुछ देखने मिला, मुकाबला में एक तरफ लग रहा था कि भारत जीत जाएंगे एक तरफ, लेकिन बीच में ऐसा हुआ कि भारत अगर मुकाबला हार जाते मुझे की परिस्थिति आ गया था, क्योंकि 119 रन स्कोर था, पाकिस्तान बहुत बड़ी टीम है, लेकिन पाकिस्तान यूएसए से हार कर आ रही है कि भारत से जीत जाएंगे, ये हो नहीं सकता, भारत इसको करने ही नहीं देंगे, और ये भी हो गया भाई साहब। पैसा वसूल मुकाबला था और सबकी इंतजार जो मुकाबले में था वो मुकाबले में भी उस प्रकार की मुकाबला देखने मिलेगा। रोहित और बाबर के अंदर टॉस हुआ और जिसमें भारत को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान ने, और पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 119 रन के लक्ष्य को दिया। इसमें भारत की तरफ से ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के द्वारा बहुत बड़े पारी आया और उससे ज़्यादा और कोई बल्लेबाज नहीं कर पाए, जिनके ऊपर उम्मीद था, जिनके ऊपर एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो बल्लेबाज नहीं चले, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज चले और बहुत बढ़िया रन स्कोर जैसे तैसे करके 119 रन पर ही भारत को पहुंचा दिए। उसके बाद आती है पाकिस्तान की चेस करने के लिए, और पाकिस्तान जब चेस करने के लिए आती तो मोहम्मद रिजवान के बल्ले से सिर्फ एक लंबी पारी आया था, छोटी सी पारी आया था, लेकिन उसके बाद कोई भी बल्लेबाज उनकी नहीं चला। एक तरफ से लग रहा था कि बाबर और रिजवान की पारी लंग जाएगी और भारत मुकाबला गवा सकती है, फैंस भी उम्मीद छोड़ दिए थे, लेकिन नेवर गिव अप, हार नहीं मानना, ये भी हुआ, भारत ने हार नहीं माना और भारत ने ये मुकाबला को जिता कर ही दिखा डाला। देखिए जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा विकेट टेकर गेंदबाज साबित हुए भारत की तरफ से, 4 ओवर में 14 रन के साथ 3 विकेट, वो भी बड़ी बड़ी विकेट, जब भारत को चाहिए बड़ी बड़ी विकेट दिलाया जसप्रीत बुमराह ने, जिसके चलते भारत आज का जो कि कल का ये मुकाबला को जीत गया। भारत और पाकिस्तान की मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला होता है, बड़ी बड़ी खिलाड़ी भी यहाँ पर नर्वस हो जाते हैं जब ये मुकाबला, जब ये दोनों देशों के अंदर मुकाबला होता है, और जसप्रीत बुमराह जिनके पास एक्सपीरियंस है, जसप्रीत बुमराह ऊपर के दिखा दिया, 3 विकेट चमका डाला, प्लेयर ऑफ द मैच भी उनको चुना गया। हार्दिक पांड्या जिसको बोला जा रहा था, हार्दिक पांड्या ने भी 2 विकेट चमकाए, बहुत बड़े विकेट टेकर गेंदबाज है हार्दिक पांड्या, ये बात आप लोग जानते हो, और ऐसे ही विकेट टेकिंग गेंदबाजी करके हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट चमकाए और भारत के लिए उनका योगदान भी काफ़ी शानदार था। लेकिन अगर बल्लेबाजी में थोड़ी सी रन स्कोर और लगा लेते तो बहुत बड़ा होता, लेकिन फिर कोई भारत ये मुकाबला जीत गया, बहुत ही आसान से मुकाबला जीत गया। एक तरफ लग रहा था कि भारत ये मुकाबला हार जाएंगे, गवा डालेंगे, लेकिन भारत के पास इतना गेंदबाजी अटक है ना, बड़े बड़े बल्लेबाज उनके आगे यानी जसप्रीत बुमराह के आगे गिव अप कर देती है, बड़ी बड़ी विकेट दे देती हैं, ऐसे ही कुछ देखने मिला मैच में। सब कुछ था, रोमांच था, और पाकिस्तान की तरफ से नासिर शाह, हरीश रब और उसके साथ मोहम्मद अमीन ने विकेट चमकाया, लेकिन विकेट चमकाने के लिए कोई भी तो फ़ायदा नहीं हुआ, गेंदबाज ने उनका काम कर डाला, क्योंकि नासिर शाह ने आपका 3 विकेट चमकाया और मोहम्मद अमीन ने 2 विकेट, उसके साथ हरीश रब ने 3 विकेट चमकाया, लेकिन क्या आपने हार मुकाबला तो हार गए ना भारत, कंग्रेचुलेसन, 2 मुकाबला जीत चुका है भारत, यूएसए से भी उधर जीत कर आ रही है। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले यूएसए से हार कर आ रही है, अमेरिका से मुकाबला हार कर आ रही है, और अब इंडिया से भी मुकाबला हार चुके हैं, भारत ने 2 मुकाबला जीत कर आ रही है, आयरलैंड के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, और भारत अभी जो कि बहुत बड़ा पॉइंट टेबल्स को लेकर भी, बहुत बड़े पॉइंट टेबल्स को लेकर भी अपनी पॉइंट टेबल्स में मौजूद है, और भारत की जो कि सुपर 8 की जाने की चांसेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान की चांसेस अभी थोड़ी सी कम नज़र में आ रही है, यूएसए की चांसेस ज़्यादा नज़र में आ रही है। अगर यूएसए इस प्रकार से बल्लेबाजी करता रहेगा, इस प्रकार से अपनी मेहनत करके जो कि मुकाबला जीता रहेगा, तो पाकिस्तान शायद सुपर 8 के क्वालिफाई नहीं कर सकती,
लेकिन भारत कर जाएगा, मेरे हिसाब से भारत कर जाएगा। आप लोगों नीचे कमेंट करके बताया गया कि आप लोग देखना चाहते हो सुपर एट में या तो फिर इस T20 वर्ल्ड कप में देखना चाहते हो कि भारत और पाकिस्तान के अंदर और एक हाई वोल्टेज मुकाबला हो जाए। इस बात को आप लोगों नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। आज की सी वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।